एंड आज की वीडियो बनाने के बाद ना, अगर आज की वीडियो आप एंड तक देख लेते हो तो कुछ बातें आपके माइंड से क्लियर हो जाएगी कि आपका पार्टनर सही है या फिर बुरा। आसान सी भाषा में कहा जाए तो अगर आपकी पार्टनर अगर बुरी है या फिर वो अच्छी लड़की नहीं है तो कुछ इस तरह का वो संकेत करेगी। भाई मेरे, आप एक संकेत देख के श्योर नहीं हो सकते। अगर आपके 2 से 3 भी मैच हो रहे हो तभी आप श्योर हो कि आपके पार्टनर दिन ब दिन बुरी बनते जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद फ्रेंड एक तो फायदा जरूर होगा ये कि सबसे पहली बात तो ये कि आप समझ जाओगे कि आपके पार्टनर की क्या नेचर है। दूसरा ये, अगर आपके आस पड़ोस में या फिर इतने नहीं, अगर आपकी कोई क्रश बनने वाली है तो उसको भी आप इस व्यवहार के ऊपर चेक कर सकते हो कि जो आपने डिसाइड किया, जो आपने चॉइस किया, क्या वो बेटर है या नहीं। और अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो आप किसी और के सामने भी अपना अच्छा शो ऑफ मार सकते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि इसकी बातें आप किसी के सामने भी रट्टे ले सकते हो कि तुझे पता भाई तेरी पार्टनर के अंदर ये हुनर मैंने किसी यूट्यूब पे देखा था जो बताता है बैड थिंकिंग, जो बताता है कि वो लड़की सही नहीं है। अगर भाई मेरे आप उसको एक्सप्लेन ना कर सको तो इस वीडियो को उसका शेयर कर देना, वो सही तरीके से समझ जाएगा। और इसीलिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक दिल से रिक्वेस्ट है वॉच करना। क्योंकि देखो फ्रेंड, अगर आपने एक भी पॉइंट छोड़ा तो भाई मेरे आप कुछ भी शिकायत कर दोगे, कुछ भी कमेंट कर दोगे या फिर अपने पार्टनर को सही तरीके से जज नहीं कर सकते हो। भाई मेरे, इससे पहले मैंने अपना पार्ट 1 डाला था जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया। आई होप आप पार्ट 2 में भी बहुत अच्छा प्यार दिखाओगे। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, दबा लो नोटिफिकेशन बेल को, वीडियो कर दो 1 लाइक अपनी तरफ से, और किसी को जरूरत पड़े इस वीडियो की तो उसका शेयर भी करो, वरना भाई आप बाद में बोलोगे यार ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आ नहीं रही है वापस। पर नंबर 1 पॉइंट पर है, सबसे पहला रखा था हूं मैं कि कुछ टाइप लालची टाइप की लड़कियां। अब मैं मानता हूं फ्रेंड ये बातें सुनकर कुछ, अगर कोई लड़कियां सुनने को तो उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लग जाएगा, फिर बहुत ही ज्यादा कहने लगेगी कि यार तुझे बहुत ज्यादा पता है। तो मैं एक बात बता दूं आपको, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं कुछ लड़कियों के नेचर इसमें बताने वाला हूं, जो अगर आपके अंदर है तो आप सुधार लीजिए, अगर नहीं है तो भाई आप भी बुरी लड़कियों में तुलना होती हो। लालची टाइप से मेरा मतलब ये कि हमेशा अपने बॉयफ्रेंड से कुछ ना कुछ चीज़ों की डिमांड करना, फ्रेंड ये बहुत ही बुरी आदत होती है। ये एक तरह से कहा जाए ना तो फ्रेंड आप ये जताते हो उसे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारे पैसों से प्यार करती हूँ, तुम्हारे पास जब तक पैसा है तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, पर जैसे ही तुम्हारा पैसा खत्म हुआ मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूँगी। पर इसके बजाय अगर आप उसके सामने टाइम स्पेंड करोगे, उससे खुश करोगे, उसके बाद अगर खुशी के बदले अगर आप कुछ मांगते हो तो आपके पार्टनर को भी देने में अच्छा लगेगा। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उसके प्यार की आप कदर करिए, खिलवाड़ मत करिए, हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें मांगे। क्योंकि देखो फ्रेंड, मैंने बहुत से ऐसे लड़कियों को नेचर नोटिस किया है जो कि अपने बॉयफ्रेंड से कुछ ना कुछ दिलवाने की डिमांड करती है, कहती है मेरे ये शौक पूरे कर दो, मेरे वो शौक पूरे कर दो, मेरे को ये ला दो, मेरे को वो ला दो। अगर बॉयफ्रेंड गलती से बोल दे कि चलो ना कहीं घूमने चलते हैं, अरे चलो ना मिलने चलते हैं, तो एक ही बात निकलती है दिमाग से कि पैसे कौन खर्चा करेगा, तुम या मैं। अगर बाई चांस बंदा कह देता है कि मेरे पास उतने कम पैसे, तो आप कोई ना कोई बहाना बनकर टालने लग जाती है, टाल देती हो तो आप बैड कर लो। सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा पर सच्चाई यही है। अगर आप ये नेचर देखते हो तो हाँ वो लड़की बुरी है। पर फ्रेंड इसमें, इस वीडियो में ये नहीं कह रहा कि सब लड़कियां बुरी होती है। पॉइंट 2 में फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड मेन टॉपिक आता है। आप सभी को पता होगा फ्रेंड कि मॉडल जमाना है, फैशनेबल जमाना है, बट अगर वो अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर प्रदर्शन करती है आप सभी के सामने, आसान से भाषा में कहा जाए कोई भी विंटर हो वो हमेशा छोटे ही कपड़े पहनती है, तो ये अच्छी लड़कियों की निशानियाँ नहीं होती फ्रेंड। मानता हूँ फ्रेंड देखो, इस दुनिया में बहुत सारी लड़कियाँ जो खूबसूरत ही होती है, बहुत से क्या सभी लड़कियाँ खूबसूरत होती है, बट जो अपनी तन को ढक के रखे वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अरे इसमें जानते हो क्या होता है फायदा? यही कि कोई लड़का आपके पीछे नहीं पड़ेगा, यही कि हर कोई लड़का आपको अच्छा समझेगा। भाई मेरे, अगर आप छोटे कपड़े पहनते हो, आप अपना अंग प्रदर्शन करते हो, तो इससे आपका नेचर गलत पड़ता है लड़के ऊपर। उन लड़कों को लगता है कि अय्याश टाइप की लड़की, ये लड़की बुरी टाइप की होती है। और जी हाँ फ्रेंड, ये होती भी है। आपको ऐसा लगता है कि मैं तो एक स्टाइलिश फैशनेबल दिखाना चाहती हूँ किसी को, बट ये दिखा नहीं रही हो आप कुछ और ही चीज़ दिखा रही हो। और आपको पता हो या ना पता हो, ये बैड गन में ही तुलना होती है। तो अगर आपकी पार्टनर कोई इस तरह का अंग प्रदर्शन करती है तो ये बहुत ही गलत आदत होता है। ये तो फ्रेंड देखो एक तरह की वो बात हो गई कि यार ठंड भी लग रही है फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ता है, आपको तो बस अपने स्टाइल से मतलब है। तो वो स्टाइल किस काम का जो आपको गलत साबित कर दे। तो फ्रेंड ये भी कहा जाए तो बुरी आदतें होती है। अगर आपकी पार्टनर छोटे कपड़े पहनती, अगर उसको अपना अंग प्रदर्शन करना अच्छा लगता है, तो ये बुरी आदत है। इस आदत को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुधार लो, तो एक आपका पार्टनर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने को तड़पता रहेगा। अब फ्रेंड ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, इसी तरीके कुछ तीसरा पॉइंट भी है फ्रेंड, कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ होने के बावजूद कहीं और देखे, कहीं और लाइन मारे, इतना ही नहीं अगर किसी और बंदे को देखकर इम्प्रेस होने लग जाए, तो ये भी बुरी लड़कियों के अंदर की एक नेचर होता है। अब देखो यार, अब बोलोगे इस बात के ऊपर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई आपका दोस्त है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, आपसे 2 लेवल अप है, उसको लेकर लड़की हमेशा बोलती है कि तेरा आज वो फ्रेंड नहीं आया, फिर वो तेरा फ्रेंड का नाम क्या, मतलब बेफालतू की बायोडेटा उस लड़के के बारे में लेता रहे, इतने नहीं अगर कुछ के सामने से स्मार्ट लड़का है, हैंडसम लड़का चला जाए तो उसकी नज़र जरूर फिसल जाए उस लड़के के ऊपर, तो ये समझाता है कि वो लड़की बुरी है।
आपको फ्रेंड इस बात को थोड़ा खुलकर समझाता हूँ। मान लीजिए फ्रेंड कि अभी आप थोड़े मोरे अच्छे दिखते हो इसीलिए वो आपके साथ रहती है, या फिर आप उसके लिए तो बेटर दिखते हो, आपको भी लगता है कि मैं बहुत ही अच्छा दिखता हूँ, पर आप एक बात सोच रहे हो कि बहुत से अगर कोई भी अच्छा दिखता है तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाती है, तो ये बुरी लड़की की निशानी होती है। अगर वो लड़का उससे अगर हंस के 2 मिनट बात कर ले ना तो वो आपको उस बीच में भुला देगी, उस बीच में आपको बात नहीं सुनेगी। अगर आप उससे कुछ कह भी रहे हो तो बोले हाँ ठीक है 2 मिनट रुको ना, इनसे जरा मैं कुछ बातें कर रही हूँ, वो इस तरीके से उससे अट्रैक्ट रहेगी। तो भाई मेरे, अगर एक रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी वो दूसरे रिलेशनशिप की तैयारी कर रही हो तो ये कौन बताता है कि लड़की अच्छी है? जी नहीं दोस्तों, पार्टनर तो वो है फ्रेंड जो आपके साथ रहे तो आपको ही अपना माने, आपको लेकर ही सीरियस रहे। अगर बात बात में किसी और में इंटरेस्टेड हो जाए, बात बात में किसी और में इंटरेस्ट दिखाए, तो ये बुरी लड़कियों की निशानियां होती है फ्रेंड। आप अच्छे हो इसलिए वो आपके साथ है, कल को वो अच्छा है इसलिए उसके साथ हो जाएगी, परसों को कोई उससे अच्छा मिलेगा तो वो उसके साथ हो जाएगी। तो ऐसे पार्टनर को अपने पास नहीं रखना चाहिए। इसमें आप जानते हो क्या होगा, आप फ्रेंड जोन में चले जाओगे, और ये इतनी बुरी बीमारी है ना फ्रेंड कि इससे बाहर निकलने का मतलब तो ये हो गया कि शेर के मुंह से निवाला छीनना। तो अगर आप अभी भी फ्रेंड जोन में नहीं होना चाहते हो तो इस साइन से थोड़ा बच के रहो। फ्रेंड चौथी इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि देखो फ्रेंड, मैं ये पॉइंट आपको पहले वीडियो में भी समझाया था, पर इस वीडियो में थोड़ा और ज़रा खुलकर समझाना चाहता हूँ। जो लड़की आपको फिजिकल होने के लिए सामने से फोर्स करे तो ये साबित करता है कि वो लड़की बुरी है। अब भाई कुछ बंदे मुझे कमेंट करेंगे कि यार तुझे पता है मेरी पार्टनर मुझसे सच्चे दिल से प्यार करती है, तो अगर वो मेरे से फिजिकल होने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कहती है, वो सिर्फ फोर्स करती है कि आओ ना मीटिंग करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? तो मेरी बात सुनो यार, वो इतनी जल्दी आपसे फ्रैंक कैसे हो गई? लड़की को अपना इज्जत ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। अगर कोई लड़की आप पे भरोसा करती है, आपको प्यार करती है ना, तो वो जल्दी अपनी रूबरू आपके सामने नहीं रखेगी। वो अगर ये सब चीज़ के लिए अगर रेडी भी होना चाहेगी ना, अगर वो सच्चा आपसे प्यार करती हो तो आपको एक ही बात कहेगी कि ये सब चीज़ अगर करना है तो हम पहले शादी करेंगे उसके बाद करेंगे। बट जो लड़की भाई मेरे शादी होने से पहले ही आपके सामने ये सब करने लग जाए, फिजिकल के लिए फोर्स करे, तैयार हो जाए, तो ये साबित करता है कि वो लड़की अच्छी नहीं है। क्योंकि देखो फ्रेंड, लड़कियां अपनी इज्जत जल्दी किसी को नहीं दे सकती है, आप मानो या ना मानो, पर हमारे इंडिया में लड़कियों का सोना गहना या जितने भी हीरे जवाहरात होती है ना, वो उनकी इज्जत ही होती है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये बात आप बहुत ही ध्यान से ध्यान रखें, अगर कोई लड़की आपको सामने से ही फिजिकल होने के लिए प्रेशर दे, फोर्स करे, तो समझ जाओ यार कि आपकी पार्टनर बुरी है, आपकी पार्टनर अच्छी नहीं है। हाँ वो बात अलग है फ्रेंड कि अगर आप फोर्स करते हो कि प्लीज़ ना एक बार ना, हम तो इतने क्लोज हो गए, हम तो इतने टाइम से लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप में, तो एक बार तो होता है, पर अगर आप प्रेशर देते हो तो ये तो साफ साफ जाहिर कर रहा है फ्रेंड कि आपका प्यार सच्चा है एंड आप फोर्स करते हो उसको इसको लेकर। बट अगर आप एक ही बार के तो एक बार में ही वो मान जाती है, तो भाई मेरे थोड़ा तो नेचर में ऊपर नीचे है ना यार। इस बातें को भी अपने ध्यान से खोपड़े में डाल लो फ्रेंड। पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट फ्रेंड, देखो ये पॉइंट भाई जिस बंदे ने समझ लिया ना, उस बंदे के सामने तो क्लियर हो जाएगी कि उसके पार्टनर बुरी है या फिर अच्छा है। फिर कहा जाए तो बुरी लड़कियों की पहचान करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो लड़की आपके पहनावे से प्यार करे, दरअसल वो प्यार नहीं होता। अब देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूँ, उसके तरीके से अगर आपके अंदर ऐसी कुछ खूबियाँ मैच हो रही है कहीं ना कहीं, तो गलत है। आसान सी भाषा में कहा जाए तो अगर आपकी पार्टनर हमेशा आपको गुड देखना चाहती हो, या फिर हमेशा आपको टोकती हो किसी भी चीज़ के लिए कि तुम्हें पता है तुम तो पहले उस कपड़े में ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, पर तुम्हें पता है तुम ऐसे हेयरस्टाइल करो ज़्यादा अच्छे लगोगे, या फिर तुम अपने लाइफ में शॉर्टकट बनने के लिए आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, मतलब हमेशा आपके सामने गलत रास्ता ही रख दे। अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको समझाए ना, उल्टा उस चीज़ के लिए बढ़ावा करें कि चल कोई बात नहीं यार, ये सब चीज़ तो होता ही रहता है। देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको ज़रा और सही तरह समझाता हूँ कि जो लड़की आपके पहनावे से प्यार करे, आपके हेयर स्टाइल से प्यार करे, बॉडी लैंग्वेज से प्यार करे, तो दरअसल वो प्यार प्यार नहीं है फ्रेंड। अभी आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छा, आपके हेयर स्टाइल अच्छे, आप अभी देखने में अच्छे हो, इसलिए वो आपके साथ रहती है। बट अगर आपसे कोई अच्छा उसे मिल जाए तो क्या गारंटी है फ्रेंड कि वो नहीं छोड़ेगी? जानते हो क्यों? क्योंकि उसको आपका पहनावा अच्छा लगता है, आप उसे अच्छे नहीं लगते, वो आपको कभी इंपॉर्टेंट नहीं देती, वो सिर्फ आपके पहनावे को इंपॉर्टेंट देती है। कहने का मतलब है अगर आपने कोई अच्छा काम किया हो तो उसके लिए आपको अप्रिशिएट करना, कॉन्ग्रेट्स करना नॉर्मल है। बट यही अगर आपने अपने ऊपर डेवलप किया है, कुछ ऐसे रूप डेवलप किया है, रंग डेवलप किया है, बॉडी लैंग्वेज डेवलप किया है, तो वो आपको अप्रिशिएट इस तरह करती है कि आपको लगता है कि मुझसे ज़्यादा तो यार ये खुश है, तो ये साबित करता है फ्रेंड कि आपकी पार्टनर बुरी है। फिर कहा जाए तो ये लड़की बुरी होती है। तो फ्रेंड ये थे वो कुछ साइन जिसको देखने के बाद आप समझ सकते हो कि बुरी लड़कियों की पहचान कैसे करते हैं फ्रेंड। इस वीडियो में फ्रेंड मैंने किसी भी लड़की को बुरा नहीं बोला है, मैंने सिर्फ उनकी पहचान बताई है। तो अगर आप लड़की हो देखने वाले तो प्लीज़ इस वीडियो का बुरा ना माने, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन के लिए है। तो यार मेरे दोस्तों, मजनू, लैला, हीर, रांझा, मतलब आप जो भी हो,
आप लोग मेरे चैनल पे आते हो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप मेरी वीडियो को देखते हो मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। इतने नहीं, आप मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करते हो तो भाई दिल से शुक्रिया करता हूँ। पर जब आप लाइक नहीं करते हो ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ कि आपका एक लाइक नहीं ले सकता यार। तो आप प्लीज़ यार इस वीडियो को तो एक लाइक करिए यार। और भाई मेरे, अगर आप चाहते हो कि ये बात किसी और को पता चले, उसका प्यार बचाना चाहते हो, इतना ही नहीं उसके सामने आप शो अप मारना चाहते हो, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करो भाई मेरे, यू इम्प्रेस हो जाएगा आपसे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें, दबा लीजिए नोटिफिकेशन बेल को। यार आपने इस वीडियो को यहाँ तक वॉच किया उसके लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ दिल से, इसी तरीके का हमें अपने हर वीडियो पर प्यार दिखाते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक भी करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलेंगे अगली बार प्यार इसी वीडियो के लिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।